सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक नगरों में से एक चंपावत नगर में उपस्थित हूँ। यह अत्यंत खूबसूरत नगर चंपावत पूर्व में कुमाऊं की राजधानी भी रहा था और कुमाऊं के इतिहास में चंपावत का विशिष्ट स्थान भी रहा है। पिछली बार 16 जून को अपनी स्वाला यात्रा के दौरान मैंने यहाँ बालेश्वर महादेव मंदिर में हाजिरी लगाई थी और कुछ जानकारियाँ भी जुटाई थी, और उन्हीं जानकारियों को वीडियो के माध्यम से पिरोकर मैं आज आपके सामने लाया हूँ। तो बने रहिए अंत तक मेरी वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल द फेलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उत्तराखंड राज्य के चंपावत नगर में स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर समूह है, जिसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान चंद शासकों ने करवाया था। इस बालेश्वर महादेव मंदिर का आर्किटेक्चर काफी बेहतरीन और दर्शनीय है। मुख्य मंदिर बालेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। लगभग 200 वर्ग मीटर में फैले मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा दो मंदिर और स्थित हैं, जो कि रत्नेश्वर और चंपावती दुर्गा को समर्पित हैं। ये बालेश्वर मंदिर हमारे देश के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है और 1952 से यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। इस मंदिर के पत्थरों पर की गई नक्काशी कुमाऊं के सभी मंदिरों में की गई नक्काशी से बिल्कुल अलग और बेहतर है। तो आइए आप दर्शन करते हैं भगवान शिव के बालेश्वर रूप के। यह अद्भुत शिवलिंग भगवान शिव के बालेश्वर रूप का प्रतीक है। यह शिवलिंग स्फुटिक रूप में है, जो अपनी चमत्कारिक शक्ति के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। लोक मान्यता है कि महाभारत काल में राजा बाली द्वारा यहाँ पर असुरों से सुख और शांति के लिए शिव पूजन किया गया था, जिस कारण इसे बाली धन ईश्वर अर्थात बालेश्वर का नाम दिया गया। चंद राजाओं के समय से ही गिरी समुदाय के लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। जो इसका इतिहास है, जो इसका वो है, जो हमारे पास ताम्र पत्र हैं, जो शिलालेख हैं, जो कागज पत्र हैं, अगर विस्तार से कोई उसको देखना चाहे तो हम अवेलेबल करा सकते हैं। अच्छा, कोई हाँ, आपके ताम्र पत्रों को अवेलेबल हाँ, देखना चाहे उसका अध्ययन करे, उसका वो निकाले, क्योंकि वो लिपि ऐसी है कि सबके समझ में आ नहीं सकती है ना, तो उसकी एक वो है पड़ा, ताकि हमको भी उसका मतलब एक वो मिले। आज के जमाने बीच बाजार में हम लोग रहते हैं, लेकिन अपना साधन जो है कुछ नहीं है, यहाँ बच्चे हैं। कोई जो भी जानना चाहता है, जो भी इतिहास में जो रुचि रखता है, जो भी ये पुरातत्व में रुचि रखता है, वो आपसे लेकर उन अभिलेखों की अध्ययन कर सकता है, उनके बारे में जानकारी ले सकता है। बिल्कुल, ये आपने बात एक बताई और वो भी जानकारी दे सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा देशट देव ने आरंभ करवाया था। उसके बाद राजा उद्यानचंद ने मंदिर का शेष कार्य पूर्ण करवाया। कहा जाता है कि चंद राजाओं के मुख्य कारीगरों में से एक जगन्नाथ मिस्त्री ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिर के दीवार के बाहरी हिस्सों में पक्षियों के चित्रों के अलावा भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है। इससे ये साबित होता है कि इस स्थान पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव रहा होगा। इस मंदिर समूह में स्थित चंपावती देवी मंदिर भी नगरवासियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। किंवदंती है कि चंपावती देवी कत्यूरों की आखिरी संतान थी, जिनका विवाह इलाहाबाद निवासी सोमचंद के साथ हुआ था। इन्हीं चंपावती के नाम पर ही चंपावत नगर बसा। कहा जाता है कि चंपावती देवी बड़ी चरित्रवान और साहसी और अद्भुत वीरांगना थी। उनकी मृत्यु के पश्चात चंद राजाओं ने उनकी स्मृति में एक सुंदर प्रस्तर मूर्ति बनवाकर बालेश्वर मंदिर के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थापित की। उसके बाद चंद राजाओं के वंशज चंपावती को अपनी कुल देवी मानते हुए पूजने लगे। चंपावत के शाह लोग आज भी
इन्हें अपनी कुल देवी मानते हुए पूजते हैं। इस स्मारक को भी, स्मारक के साथ साथ संरक्षण का काम तो हमारा था, भारत सरकार तो अभी आई है लेकिन जो बरसों से कई हजारों साल से जो इसका संरक्षण कौन किसने किया, हम लोगों ने किया, लेकिन हम आज उपेक्षित हैं, हमारे बच्चे सब बेरोजगार हैं। यही एक विडंबना है कि आप लोग उपेक्षित हैं, आप लोगों को जिम्मा था यहाँ पर सारा सर्वे सर्वा, आप लोग थे, परिस्थितियां, संपत्ति है हमारी, अरबों की संपत्ति है ये, लेकिन हमारे पास किसी काम की नहीं है। इसके एक तरह से केयर टेकर हैं, केयर टेकर मान सकते हो। अभिलेखों में कोई आपका वो नहीं है? अभिलेखों में भी है, अभिलेखों में है। अच्छा, 1916 अंग्रेज कमिश्नर यहाँ पर थे नैनीताल में। अच्छा, तो उन्होंने पैक्ट किया है। चलिए, ये बात इस वीडियो के माध्यम से। ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र हमारे पास, ताम्रपत्र है, बिल्कुल ताम्रपत्र है, जिसके बाद ताम्रपत्र होगा। हाँ, बिल्कुल। अभी हमने बीच में ही कम से कम ये 80-90 के बीच में हम लोग वहाँ गए थे आगरा में, इनका सुपरिंटेंडेंट ऑफ ये लोग सर्वे पर बैठता है, तो उन्होंने इधर की काम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने किया, भाई आप कब्जा कर रहे हो, इसका मतलब ये तो हमारा है, जमीन हमारी है, ये स्मारक हमारा है, इसके तो हमारे पास प्रमाण है, सब कुछ है, लेटेस्ट प्रमाण भी है ना, तो आप कैसे कर रहे हो? बोले नहीं, हम इसको संरक्षण कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का जो हक हकूक है, आपके जो मालिकाना हक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मालिकाना हक, लेकिन मालिकाना हक तो है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए उपयोगी नहीं है ना, ड्यूटी है, सब कुछ है, थोड़ा बहुत चढ़ावा फड़ावा आता था, ये संरक्षित होने की वजह से लोग बाग भीड़ भाड़ भी नहीं हो पाती है। भीड़ भाड़ कैसे नहीं पाती है? ये की संरक्षित इमारत है भाई, यहाँ पर बंदिशें लग जाती है। अच्छा, बंदिशें लग जाती है। अभी हमने भागवत पुराण का आयोजन करने के यहाँ पर किया, संकल्प किया, सब कुछ लिपा लुपू करके सब बढ़िया करके वो किया, लेकिन तुरंत जो है वहां से आदेश आ गया कि नहीं, बालेश्वर मंदिर में जो है कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, डीएम को एसपी को तुरंत करके आप वो करें। चलिए, ये बात भी ना, हालांकि बाद में फिर अजय भट्ट जी से बात हुई, मेरी खुद बात हुई मंत्री महोदय से, उन्होंने कहा करो, क्यों रोकते हैं, लेकिन बाद में फिर समय चुनाव भी था यहाँ, तो वो लोग जरा पीछे हट गए, नहीं हो पाया आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया, मेरे जो दर्शक हैं उनकी जिज्ञासा को शांत किया, बहुत नई नई चीजें आपसे जानने को मिली, और मैं चाहता हूँ कि यही नई नई चीजें आगे तक जाएं, और सभी लोगों को अपने हमारे ऐतिहासिक स्मारकों का, ऐतिहासिक प्रतीकों का ज्ञान हो, और उनके अंदर में सब चट हो जाता है, तो कितना मतलब एकदम डायरेक्ट हुआ है ना ये। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुन्नागिरी गोस्वामी जी, स्टेट बैंक के रिटायर्ड मैनेजर, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी और काफ़ी हद तक अच्छी लॉजिकल जानकारी यहाँ की दी, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रहा था, और आज मुझे ये मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस जानकारी को सभी लोगों तक आगे पहुँचाया जाए इस वीडियो के माध्यम से, और सभी लोग अपने इस ऐतिहासिक जो हमारे जो स्मारक हैं उनको संरक्षित रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि समय के साथ साथ थोड़ा सा नुकसान होता जा रहा है इनको, जिस हिसाब से बता रहे हैं लोग, तो उसको संरक्षित रोल में रखने में हम अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रणाम। इन मंदिर समूहों की स्थापत्य कला अपने आप में उत्कृष्ट और बेजोड़ है, और जिसकी तुलना लाख खोजने से भी नहीं मिलती है। कुल मिलाकर यह बालेश्वर मंदिर समूह शिल्प और लोकथात की एक समृद्ध पूंजी है, और जिसे बचा कर रखना हमारी हम सब की जिम्मेदारी है। यह बालेश्वर मंदिर स्थल प्राचीन काल में चलने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी होता था। मैदानी क्षेत्र से पहाड़ पहुंचने के बाद यहां पर भगवान बालेश्वर की पूजा अर्चना करने के बाद इस स्थान से यात्रा आरंभ होती थी। बालेश्वर मंदिर जो कि काफी प्राचीन और ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर है, जो प्राचीन रूप में कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रथम पड़ाव बालेश्वर मंदिर ही माना जाता था। मैदानी क्षेत्र के बाद प्रथम पहाड़ी स्थल बालेश्वर महादेव से ही यात्रा शुरू होती थी आगे को, उसके बाद बालेश्वर, मानेश्वर, लोहाघाट, मृगेश्वर, उसके बाद यात्रा पिथौरा होते हुए पहले बालेश्वर, फिर मानेश्वर, फिर रिकेश्वर लोहाघाट के पास रिकेश्वर महादेव, हाँ उसके बाद वो यात्रा चलती थी आगे की। जब ट्रेन टनकपुर आती थी तब, हाँ नहीं उससे प्राचीन रूप में, उससे प्राचीन रूप में, जब ये यात्रा केवल साधु और संत लोग करते थे, जब लोग नहीं आते थे उस यात्रा। अच्छा, हाँ, पहला पड़ाव बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर, हाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये वाला। चलिए बहुत बढ़िया, ये जो ट्रेन चली तो यात्रा काठगोदाम शिफ्ट कर दी गई यहाँ से। जी जी।
हाँ, तो यात्रा फिर हलवाई होते हुए वहीं निकली। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी। हे महादेव, देव बालेश्वर, तुम ही महाशिव, तुम ही सदाशिव, रुद्र तुम ही, महेश तुम ही, नीलकंठ नीलेश्वर तुम ही। हे महादेव, देव बालेश्वर, तुम ही सदाशिव, तुम ही महाशिव।